दोस्तों आजकल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो है सुनील शेट्टी जी जो है योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कह रहे हैं और वह जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस समय। तो वह असल में था कि उसका पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं क्या था। तो वह जो है यह था कि मुंबई में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, उसमें जो है फिल्म सिटी को लेकर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है बॉलीवुड के कई कलाकारों से मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है सुनील शेट्टी जी ने जो है अपना कुछ बयान दिया जो कि काफ़ी चर्चा में है इस समय। तो चलिए जो है पहले हम उसको जान लेते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया था। तो वह जो है कुछ ऐसे था कि यह जो ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड का, यह जो है आपके कहने से भी रुक सकता है। आगे वह यह भी कहते हैं कि लोगों तक ये बात भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम काफ़ी अच्छा काम भी कर चुके हैं और एक रोटेन एप्पल की तरह से जो है हर किसी को नहीं आंका जाना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह बयान जो है मैं क्यों आपको सुना रहा हूँ या कॉन्टेक्स्ट क्यों बता रहा हूँ। तो इसका जो एक मेरा उद्देश्य है कि मैं इसके द्वारा जो है कॉन्टेक्स्ट बता के जो है जो उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं इंग्लिश के उन्हें जो है आपके सामने क्लियर करूं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से जो है वर्ड्स को याद करना काफ़ी आसान होता है और वह जो है काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है और अगर आप 2-3 बार जो है उसे ध्यान दे दिए तो वह कभी नहीं भूलता है। तो चलिए जो है इसमें जो बयान है वह जो है हम 2-3 वर्ड आपके सामने जो है उस बयान का लिखते हैं जो कि आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ट्रेंड है एंड जो है बॉयकॉट एंड रोटेन एप्पल उन्होंने यूज किया था। एक रोटेन एप्पल तो हर जगह होता है तो उसको भी हम आगे जो है बताते हैं। तो ट्रेंड का मतलब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, अ जनरल डायरेक्शन इन विच अ सिचुएशन इज चेंजिंग आर डेवलपिंग। एक सामान्य सी दिशा जिसमें जो है इन विच जिसमें अ सिचुएशन एक स्थिति जो है इज चेंजिंग बदल रही है और डेवलपिंग या जो है डेवलप होती है मतलब जिसका जो है निर्माण होता है। तो यह था जो है आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन ट्रेंड का। तो ट्रेंड का हिंदी मीनिंग हम अगर कहें तो रुझान होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन वगैरह में कहते हैं कि इस समय जो है इलेक्शन का ट्रेंड क्या चल रहा है, रुझान क्या चल रहा है, रुझान में आगे कौन चल रहा है। तो वह इस तरह से यूज होता है ट्रेंड जो है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड आपके सामने क्लियर कर दिया। दूसरा वर्ड हमने लिखा है बॉयकॉट का, टू रिफ्यूज टू बाई यूज आर द टेक पार्ट इन समथिंग, ये समथिंग का शॉर्ट फॉर्म, एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। टू रिफ्यूज टू बाई मतलब इनकार करना किसी भी चीज़ को खरीदने से, यूज करने से, और टेक पार्ट इन समथिंग किसी चीज़ में भाग लेने से जो है एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। जैसे एक प्रदर्शन का तरीका होता है, आप किसी चीज़ को खरीदने से इनकार कर दिए या यूज करने से इनकार कर दिए, या जो है कहीं पे जो है कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है या कहीं जाना है आपको, वहाँ पे जो है आप भाग लेने से इनकार कर दिए, वहाँ पे मतलब वहाँ जाने से ही मना कर दिए, और वह जो है एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। तो यह जो है बॉयकॉट का मीनिंग हुआ। और यह जो है बॉयकॉट होने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है लोगों को जो है बुरा लगता है या कोई और इशूज रहते हैं तो उसके वजह से जो है ये बॉयकॉट होता है। बॉयकॉट शब्द जो है आप लोगों ने चाइना के जो है भी संदर्भ में काफ़ी सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में या मीडिया में आता रहता है कि उनके जो है चाइना के सामान का जो है हम लोग बॉयकॉट करेंगे। जैसे दिवाली के मौके पर आ जाता है कभी कभी झालर वगैरह, हमको नहीं हम खरीदेंगे, हम अपना ही जो है होममेड जो है या जो कुम्हार लोग बनाते हैं उनका जो है दिया वगैरह जलाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है जानते ही रहते हैं। और बायकॉट करने का जैसे मैं बता ही रहा हूँ कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अब जैसे चाइना से जो है हमारे देश के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है इंटरनेशनल इशूज वगैरह में जो है, तो वो उसके वजह से जो है यह सब होता रहता है बायकॉट का ट्रेंड। बाकी बॉलीवुड का जो है बायकॉट क्यों होता है या उसकी क्या वजह है, यह जो है प्लेटफॉर्म उसके लिए जो है सही नहीं है कि यहाँ पे वह सब चर्चा की जाए। तो आप जो है केवल कॉन्टेक्स्ट इसको समझिए। और हाँ, बॉयकॉट का जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है बहिष्कार करना। अब जैसे आप देखिए जो है बहिष्कार करना, अब यह भी जो है अगर आप हिंदी में जो है जाएंगे डिक्शनरी वगैरह में कहीं खोलेंगे तो तब भी आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन समझने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप वह डिक्शनरी के माध्यम से कीजिए चाहे किसी के द्वारा जो है सुन के जो है कीजिए। तो उसी प्रकार से मैंने जो है इंग्लिश का जो है लिख दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन, तो आप जो है यहाँ से जो है समझ लीजिए। और हाँ, वर्ड्स को जो है किस तरह से याद करना चाहिए और उसका सेटअप किस तरह से अपने माइंड में बनाना चाहिए कि वो लंबे समय तक चल सके, एक तरीका उसका यह है कि आपने कभी अगर बॉयकॉट का मतलब जो है जैसे सुना हुआ हो कि बहिष्कार होता है और आप बहिष्कार का मतलब समझ रहे हैं कि हाँ यह चीज़ है, तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार समझ लीजिए, फिर यह एक्सप्लेनेशन जो है आप कहीं पर मत देखिए, आप आगे बढ़ जाइए, आप किसी और वर्ड पर जो है वर्कआउट कीजिएगा जिससे जो है आप उस वर्ड को जो है तैयार करें जो है। बाकी जो है अगर आपको नहीं आता है, हिंदी में भी नहीं आता है और अंग्रेजी में भी नहीं आता है, तो आप जो है अब जो है क्योंकि आप अंग्रेजी सीखने पर ध्यान दे रहे हैं
तो बॉयकॉट को जो है इंग्लिश के ही एक्सप्लेनेशन से जो है समझ लीजिए, और इससे जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ने से जो है आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो बीच बीच में आते रहेंगे, वह जो है आपके कमजोर होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है अरोटम एप्पल देख लेते हैं जो उन्होंने कहा था। तो यह हमने लिखा है आपके सामने, अ बैड ऑब्लिक रोटन एप्पल। तो यह जो है इसका मीनिंग हमने लिखा है कि वन बैड पर्सन हु हैज अ बैड इफेक्ट ऑन अदर्स इन अ ग्रुप। एक बुरा व्यक्ति हु हैज मतलब जो रखता है, अ बैड इफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव ऑन अदर्स दूसरों पे इन अ ग्रुप समूह में जो है। तो कोई व्यक्ति होता है अगर जो है वह बहुत बुरा है तो उसका असर जो है उसके ग्रुप पर भी पड़ता है। तो आमतौर पर उसको भी जो है उसी तरह से देखा जाता है कि ये सारे के सारे जो है लोग गलत ही होंगे। तो यह था जो है एडियम। अगर जो है जो लोग इस वीडियो में अभी पहली बार आए हुए हों देखने, तो उनको अगर यह ना समझ में आता कि एडियम क्या है, तो इस पर जो है हमारी पहली वीडियो आ चुकी है, आप उसमें जाके जो है एडियम की जो है डेफिनेशन वगैरह जो है देख लीजिए। उसमें एडियम एंड फ्रेज के बारे में जो है हमने बात की है, और काफ़ी जो है ईजी वे में जो है हमने उसके जो है बारीक अंतर को समझाया हुआ है। तो वहाँ पे आप जाइए और उसको देखिए। इसको अगर जो है हम हिंदी जो है कहावत के हिसाब से समझना चाहें, जो एक मुहावरा जो है हिंदी में फेमस है, वह यह है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यह जो है आप वही चीज़ यहाँ पे भी पा रहे हैं। तो वही जो है सुनील शेट्टी जी ने भी कहा है कि एक व्यक्ति के आधार पर जो है आप हर व्यक्ति को जो है मत आंकिए जो है। यह मतलब उनके कहने का मतलब था कि एक व्यक्ति के आधार पर दूसरे व्यक्ति को नहीं आंकना चाहिए। तो हमने जो है इसको जो है आपके सामने क्लियर कर दिया कि यह किस प्रकार से जो है एक्सप्रेस किया गया है जो है सुनील शेट्टी जी के द्वारा। और बाकी जो है इसमें जो है यह आप समझ सकते हैं कि यह एग्जाम में कैसे यूज होगा। तो बेसिकली जो है यह किसी पैसेज में जो है आ सकता है, क्योंकि क्या पता यही जो है पैसेज पूरा का पूरा जो उनका बयान कभी कहीं पूछ लिया जाए। वैसे आमतौर पर ये आएगा नहीं, लेकिन ये है कि यह कहीं ना कहीं पर जो है यूज हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इसका यूज होता है। मल्टीपल बेनिफिट्स जो है आपको इसके मिलेंगे। बाकी जो है इसको जो है आप देख लीजिए बॉयकॉट, इसको हमने जो है अभी आपके सामने रखा था। तो यह जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भी काम करेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है इसको हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। वैसे आप अभी समझ लीजिए कि जो है सब्स्टिट्यूट फॉर मेनी वर्ड्स कॉल्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी जो मीनिंग होगी मतलब कई वर्ड्स के लिए जो है जो एक सब्स्टिट्यूट होगा ना उसे हम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यह जो है अगर कहीं पे लिखा है तो इसके लिए जो है एक वर्ड क्या होगा, तो यह बॉयकॉट हो जाएगा। तो यह भी जो है एग्जाम में जो है आपके पूछा जाता है मल्टीपल एग्जाम में, SSC CGL या जो है SSC CHSL या किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो गया बैंक में, जहाँ पे अंग्रेजी जो है पूछी जाती है, तो वहाँ पे यह चीज़ जो है पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आ जाता है क्वेश्चन। तो बाकी यह भी जो है जितने भी वर्ड्स हैं वह आपको पैसेज वगैरह में हर जगह मदद करते ही करते रहते हैं। आप जो है इस तरह से अगर सीखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी बेहतर होगी जो है, जो कि किसी भी भाषा का जो है अहम पार्ट होता है। वर्ड्स के द्वारा ही जो है आप भाषा को जो है सीख सकते हैं। आपको इंग्लिश के वर्ड्स को समझाने का यह तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके जो है आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे जो है हम आपके लिए जो है और भी बेहतर तरीके से वीडियो को जो है प्रोवाइड करा सकें। और चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, तथा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वह बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस की जो है अपडेट आपको लगातार जो है मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।